अमेठी में रहने वाली वो लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस लड़के को दिलो जान से चाहती है वो लड़का सिर्फ उसके जिस्म से खेल रहा है। महज अपनी हवस पूरी करने के लिए उस लड़के ने मोहब्बत को अपना जरिया बनाया और उस बेचारी को खिलौना बना डाला। मोहब्बत थी लिहाजा दोनों में जिस्मानी रिश्ते भी हुए। लड़की प्रेग्नेंट हुई, शादी का दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद आशिक अपनी असलियत पर उतर आया और वो मोहब्बत को दरकिनार कर फरार हो गया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। तस्वीरों में पुलिस के पीछे खड़े इन जनाब का नाम जमाल है। जमाल पर ही एक लड़की के साथ प्यार का झूठा नाटक करके जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा है। दरअसल ये मामला अमेठी जिले के पीपरपुर थाना इलाके के रवानीपुर गांव का है, जहां रहने वाले जमाल को गांव में ही रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत हो गई। धीरे धीरे दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। वक्त गुजरा तो मोहब्बत का रंग और सुर्ख हो गया और लड़की का भरोसा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। अब तक जमाल उस लड़की से शादी का वायदा कर चुका था, लिहाजा लड़की को जमाल और उसकी मोहब्बत दोनों पर एतबार हो चला था। प्यार था, एतबार था, लिहाजा दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते भी बन गए। एक बार तो ठीक था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही दोनों में कई बार जिस्मानी रिश्ते बने, जिसे माशूका के पेट में जमाल का बच्चा सांसें लेने लगा। लड़की ने जमाल पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जमाल ने लड़की को दवा खिला दी, जिससे 12 नवंबर के रोज लड़की ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। परेशान परिजन जमाल के घर पहुंचे ताकि बातचीत करके दोनों की शादी की जा सके, लेकिन पीड़िता के परिजनों का आरोप है जमाल के परिजनों ने उल्टा ही उन्हें धमकाना शुरू कर दिया और तो और घर जलाने तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत कर दी। पुलिस ने भी मामले में संजीदगी दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी आशिक जमाल को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जमाल जेल में है और पीड़िता अपने घर में मोहब्बत की दुहाई दे रही है। इस तरह के मामलात में ऐसी दिक्कतें आना आम बात हो चली है, लिहाजा किसी भी इंसान से रिश्ता जोड़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर कर लें, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी से बची रहें। यह खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।